इस समाचार के प्रायोजक हैं गोल्ड जिम मुजफ्फरपुर, क्योंकि फिट रहने की कोई उम्र नहीं होती। में किसान के महापंचायत में हम खड़े हैं। आज जंगली जानवर के आतंक के खिलाफ जो 20 दिसंबर को किसान प्रदर्शन है कलेक्टर के सामने, इसी को लेकर ये किसानों ने महापंचायत बुलाया था। और कैसे बड़ी भागीदारी हो उस किसान प्रदर्शन में, इसके लिए हम लोगों ने निर्णय लिया है। और ये भी आपको बताना चाहते हैं कि मेरे आह्वान पर वन विभाग का कान खड़ा हुआ है, और वन विभाग के अधिकारियों ने कल दूरभाष पर बात करके आंदोलन को रोकने का आग्रह किया और कहा कि पश्चिमी अनुमंडल में 1000 जानवर को मारने का हम आदेश दे दिए हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट कहना है कि कांटी और मरवन में हर एक पंचायत में, किसी पंचायत में ऐसा नहीं है जहां 300 से 400 जंगली जानवर नहीं है। हमारा मांग है कलेक्टर साहब से, वन विभाग के अधिकारी से, कि हमें 1000 जानवर को मारकर हमको कोई उपलब्धि नहीं लेना है। मेरा एक ही संकल्प है कि जब तक इस जिले से जंगली जानवर का आतंक पूर्णतः समाप्त नहीं होगा, तब तक हमारा लड़ाई जारी रहेगा। और जहां तक किसानों का सवाल है, इस बार किसान आर पार का लड़ाई लड़ेंगे। कोई भी चुनौती, बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए, हम इस बार मात नहीं खाने वाले हैं। हम हर हालत में अपने लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाएंगे। 20 तारीख की लड़ाई हमारा टेलर है, उसके बाद हम चरणबद्ध आंदोलन करके हर हालत में प्रशासन और शासन को मजबूर करेंगे कि तुम जंगली जानवर का आतंक खत्म करो। अगर जंगली जानवर का आतंक खत्म नहीं होगा तो अगले बार से किसान खेती नहीं करेगा। और इतना ही नहीं, 20 तारीख को हम और हमारे किसान साथी टोकरी, छैटी, कुदाल, खुरपी, हल लेकर कलेक्टर साहब के यहाँ पहुँचेंगे और पूरा एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हम कलेक्टर साहब को समर्पित कर देंगे। और जब हमको मरना ही है भूखे, मरता वो क्या नहीं करता, हम आर पार का लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा आज संकल्प हुआ है।